नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन के बारे में। ये एक दवाई का नाम है, इंजेक्शन का नाम है। बात करें इसकी कंपनी की, तो इसे बनाने वाली कंपनी है कैडिला हेल्थ केयर। इसके अंदर नैंडोलोन डेकोनेट साल्ट पाया जाता है। ये एक एनाबोलिक स्टेरॉयड है। जैसा आपने देखा होगा कि डायनाबोल हम इस्तेमाल करते हैं, जिम वाले जो लड़के होते हैं वो डायनाबोल का इस्तेमाल करते हैं बॉडी बनाने के लिए, वो ही एनाबोलिक स्टेरॉयड है। ये 25 mg, 50 mg और 100 mg में मिल जाता है। हालांकि इनकी कीमत यानी 25 mg, 50 mg, 100 mg की अलग अलग होती है। ये 1 ml की क्वांटिटी में आता है, 1 ml का इंजेक्शन आता है। इसी के साथ आपको सिरिंज भी मिलती है, सुई लगाने की मिल जाती है। ये मेल या फीमेल दोनों में लगाया जा सकता है, लेडीज़ या जेंट्स दोनों के लिए होता है। लगाने का तरीका है इंट्रामस्कुलर यानी मांस में, चाहे तो आप कूल्हे पर लगा दें, बाजू पर लगा दें, जहाँ भी आपको मांस दिखता है वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन इसे इंट्रावीनियस यानी नसों में नहीं लगाना होता है। इसका इस्तेमाल केवल डॉक्टर के सलाह पर ही किया जाता है, ऐसा नहीं कि आपने लेकर के लगवा लिया। हालांकि इसका एक जो साइड इफेक्ट है वो भी बताऊंगा मैं, और कैसे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही किया जाता है। इसका इस्तेमाल करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको क्रोनिक एनीमिया है यानी खून की कमी है, RBC कम हो गई है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रेड ब्लड सेल को बढ़ाता है। आपको ब्रेस्ट कैंसर है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ मैं बताता था इसका दुष्प्रयोग किया जा रहा है, अब इसके गलत इस्तेमाल के बारे में बता रहा हूँ। दो जगह गलत इस्तेमाल हो रहा है इसका, जहाँ पर डॉक्टर सलाह नहीं देते लेकिन अपनी तरफ से लगा रहे हैं, पता नहीं कैसे। आर्मी की भर्ती होती है, पुलिस की भर्ती होती है, या फिर कोई ऐसी भर्ती जहाँ पर आपको रनिंग करनी होती है, फिजिकल करना होता है, उस दौरान आप इस इंजेक्शन को लेते हैं। कहते हैं कि जी चुस्ती फुर्ती बन जाती है, स्टेमिना बन जाता है और आप ज़्यादा इसमें काम करने की आपको एक एबिलिटी मिल जाती है। बड़े बड़े थंबनेल होते हैं यूट्यूब पर, उस पर लिखा रहता है कि रेस लगाने से पहले कितनी देर पहले आपको ये इंजेक्शन लेना होता है, कितने इंजेक्शन का कोर्स करें, कब लें, कैसे लें, आपकी रेस निकल जाएगी, भर्ती आपकी निकल जाएगी। भाई ऐसा ना करें। पहली चीज़ तो ये कि आपका अगर डोप टेस्ट होता है, आपकी चेकिंग होती है, वहाँ पर आप पकड़े जाते हैं, उल्टा आपके ऊपर केस हो जाएगा, जॉब तो मिली नहीं, केस और होगा, जेल चले जाओगे, ये गलती ना करें। दूसरी चीज़, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये आप साइड इफेक्ट कर लोगे। जितने कोर्स बताए जाते हैं ना, वो आपको नपुंसक बना देगा, सेक्सुअल इंपोटेंस आपको बना देगा। तो भाई इस तरह की हरकत ना करें, बहुत आपको भारी दुष्परिणाम मिल सकते हैं। दूसरा जो इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है वो होता है जिम में। आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग में एनाबोलिक स्टेरॉयड इस्तेमाल करते हैं, जिम वाले कसरत करते हैं, फिर एक डायनाबोल टैबलेट होती है उसे खिलाते हैं, साइकिल चलाते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते जो भी है, और उससे बॉडी बननी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप उसे छोड़ते हैं ना, तो पहले से भी बेकार हो जाते हैं, जो वजन आपका था, जो आपकी बॉडी थी, उससे भी कमजोर हो गए, साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हैं। वो ही एनाबोलिक स्टेरॉयड डेकाड्यूराबोलिन है। ये इंजेक्शन फॉर्म में है, वो टैबलेट फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, यानी कहां पर इसे निषेध करते हैं, कहां पर ये नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं यानी दूध पिलाती है बच्चों को, तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। आप डायबिटिक पेशेंट हैं यानी आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तब आप इसका इस्तेमाल ना करें। HB लेवल आपका हाई है यानी कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो हाई है, तब इसका इस्तेमाल ना करें। तो बिना डॉक्टरी सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। आपको सडन चिल की प्रॉब्लम हो सकती है यानी अचानक से ठंड लग सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, आपको दस्त लग सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, और जो मेन साइड इफेक्ट है इसका वो है सेक्सुअल इंपोटेंस, यानी कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, पिता बनने का सपना अधूरा रह सकता है, तो उस चीज़ को आप इस्तेमाल ना करें। बात करते हैं डोज की, जो डॉक्टर बताते हैं। ये 25 mg, 50 mg, 100 mg में आता है। तो इसकी जो डोज है वो 1 हफ्ते में 1 इंजेक्शन आपको लेना होता है, और अधिक से अधिक इसे आप 6 से 8 हफ्ते चला सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना होता है। कि जो लोग आर्मी की या फिर पुलिस की या फिर कोई ऐसा फिजिकल कर रहे हैं, अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, जिम कर रहे हैं, वो उस इंजेक्शन से दूर रहें। बीमारी है जो मैंने आपको बताई थी, उससे रिलेटेड बीमारी है, उसका कोर्स डॉक्टर की देखरेख में करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।